ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन तथा पर्यावरण गतिविधि के संयुक्त तत्वाधान में 29 अगस्त को सीएसए कानपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आइए सुने क्या बातचीत हुई, पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या बताया होने वाले कार्यक्रम के संबंध में। जो कि पिछले वर्ष भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें काफ़ी लोग जुड़े थे, करीब 80,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था और उससे लगभग करीब 3,80,000 परिवार के लोग भी जुड़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि यह मेरा सौभाग्य है कि इस बार का जो प्रकृति बंधन है इनके साथ, यानी हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन के साथ साथ हमारा जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है, हम सभी लोग मिलकर के इसका आयोजन 29 तारीख को 10 बजे सुबह हमारे प्रांगण में होना निश्चित हुआ है। करीब 100 जगह पे इसका आयोजन किया जाएगा और काफ़ी बृहद स्तर पे किया जा रहा है। कानपुर प्रांत हो चाहे बुंदेलखंड का रीजन हो, इन सभी रीजन का कानपुर में ही एक आयोजन किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि इस नेक कार्यक्रम में, इस पूर्ण कार्यक्रम में जितने भी तरह के लोग, चाहे सामाजिक लोग हों, चाहे धार्मिक, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक लोग हैं एवं जितने भी व्यापारिक वर्ग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि इस प्रकृति बंधन के साथ जुड़कर, खुद जुड़कर के एवं उनके परिवार को सभी लोग जुड़ करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसमें जुड़े, ताकि हमारा जो आगे आने वाला भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, प्रकृति के प्रति उनका रुझान बराबर बने रहे। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।